आज आई एम रियली हैप्पी कि आज तुम्हारा ऐप लॉन्च हो रहा है। So, looks fantastic. तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हें ये सब दिखाना चाहता था? इतने थोड़े से समय में हमारी कंपनी ने इतना कुछ अचीव कर लिया। प्रोडक्ट्स बनाने का पूरा काम बस हो चुका है और थोड़ा टाइम की बात है फिर हर पिंड के हर किसान के पास हमारी मशीनें होंगी और उनकी लाइफ ना ऐसे आसान हो जाएगी। I'm so proud of you, Raj. बस यार, तुम ऐसे मेरे साथ रहा करो। पता है कैसे तरस गया था मैं तुम्हारे साथ एक पल बिताने के लिए। सर, सेलिब्रेशन के लिए सब वेट कर रहे हैं। क्या? चलो। चलो। प्रिंस, क्यों है पुत्र जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? You know what, मम्मा, मुझे चोट लग गई। करण, रिलैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटी सी खरोच चाहिए बस। देखो, आप स्ट्रॉन्ग हो ना, स्ट्रॉन्ग बॉयज रोते नहीं है। और आपके करण मामू भी है ना आपके पास? मुझे करण मामू नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप जल्दी वापस आओ ना। हाँ प्रिंस, मैं आती हूँ पुत्र जी, बट पहले आप प्लीज रोना बंद करो। ओके सर, दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर आप लोग नहीं होते तो ये सब हो नहीं पाता। सो बिग थैंक यू गाइस। राज, एक्चुअली प्रिंस को चोट लगी है, मुझे घर जाना होगा। व्हाट? लेट्स गो। नहीं राज, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। डोंट वरी, ये छोटी सी खरोच है, आई विल मैनेज। तुम क्यों जा रही हो सहरा का छोटी सी चोट है तो? राज, वो बहुत रो रहा था, मुझे बुला रहा है, प्लीज। सर केक। सर प्लीज, केक काटने तक रुक जाओ। राज, आई एम रियली सॉरी सर, बट प्रिंस बहुत रो रहा है, उसे मेरी जरूरत है सर, प्लीज। बहुत गलत किया तुमने सर। My prince is the strongest. Thank you, mama. Good boy. जाकर अब गुल्लू के साथ खेल। Go. वो तो पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ नानी, वो प्रिंस को मेरी जरूरत थी। इतनी सी तो चोट लगी थी उसे। नानी, बात चोट की नहीं है, बात अकेलेपन की है। आपको पता है, आज भी प्रिंस अकेले घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए जब भी कुछ होता है ना, उसे मैं आसपास ही चाहिए होती हूँ। Besides नानी, प्रिंस माँ और बाप दोनों के प्यार के लिए तरसा है, और इसलिए मैं हमेशा उसके पास रहना चाहती हूँ। जब भी वो मेरे आसपास होता है तो वो ज्यादा सेफ और कॉन्फिडेंट फील करता है, और उसने भी तो मेरे बच्चे की कमी पूरी करी है ना। और अब तो मैं उसकी माँ हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए रहूं। वैसे भी एक माँ ही है ना, जो अपने बच्चे को कभी ना नहीं कहती। हाँ पुत्र, एक माँ ही है जो अपने बच्चे को ना बोल सकती है अगर कोई गलती कर रहा हो। लेकिन मैंने हरनूर को ना क्यों बोल दिया? बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आंटी जी। और निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। आंटी जी प्लीज, आंटी जी, आंटी जी। ओ, इसमें उसकी क्या गलती थी? मैंने दस आनी, प्लीज आप ऐसे कमजोर मत पड़ो। ट्रस्ट मी, मैं मन्नत के बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। आप देखना, वो हमें जरूर मिल जाएगी। पापा जी, मन्नत ने ना डलहौजी में बथेरी लड़ाइयां लड़ी, कभी जीती तो कभी हारी। जब जीतती थी ना तो पूरे पिंड के साथ मिलके खुशियां मनाती थी, एक परिवार की तरह। जब हारती थी तो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के आंसू साफ करते थे। पर पता नहीं क्यों, आज बाजार में हुई लड़ाई के बाद मैं
अपने असली परिवार के साथ खुशियां मनाने चली आई। I'm sorry, बाबा जी, मेरी वजह से मेरी दादी और मेरी बहन इतना परेशान हो रही है। मैं क्या करूं, कैसे उनको अपनी सच्चाई बताऊं, कैसे बताऊं कि मैं उनका अपना खून हूं। जब उन्हें पता लगेगा ना तो वो खुश तो बहुत होंगे, पर शायद उनका पूरा घर बिगड़ जाएगा जो मैं नहीं देख सकती। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे अपने परिवार का प्यार मिले, जिसके लिए बचपन से तड़पी हूँ, वो प्यार मेरे सामने है, कि मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बाबा जी, क्योंकि बाबा जी मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती और अपने परिवार को एक साथ बनाए रखना मेरा फर्ज है। उसे गुंडों से बचाना मेरा फर्ज था बाबा जी, मैं जो भी किया इंसानियत के नाते किया। सड़ी पूती। ओ मनप्रीत, तू कब आई? हाँ हूने आई मैं। ओ तेरी अखा क्यों लाल है? वो मैं प्याज काट रही थी ना, तो वैसे भी आज छोले भटूरे बनने वाले थे ना, तो बस वही खाने आई। ओ जितनी मर्जी चाहे छोले भटूरे। हाय मैं मर गई। ओ मेरे को ये पता, चोट केवल लगी तेनु? ओहो चोट थोड़ी है, बस छोटा सा कट है, वो किचन में चक्कू चुक्कू लग जाता है ना। अरे फिक्र ना करो, अब मैंने बैंडेड लगा लेनी और शू सटाक ठीक हो जाना इसने। अच्छा शू सटाक ओ बैंडेड शैंडेड बाद चलाई, मैं हुने आनी है, रुक जा तू। अब बैठे बैठ जा चुपचाप, ओ देखना ओ कैसे ये लेप लगाने से सब शूश टाक ठीक हो जाएगा, है ना? ओ किसी की याद आ गई, कोई अपना है जो खो गया है। काश जल्दी मिल जाए। जब किसी को याद करके आंखों में आंसू आ जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान आपके आसपास ही है, बस दिखने की देर है। आपको वो इंसान जल्दी मिल जाएगा, देखना। ओएमआर की आरा पुत्र, ना तूने हम सबको क्यों बुलाया? बड़ी मामा, आपको ये कलर स्कीम कैसी लग रही है? अरे वाह, दिस इज समथिंग रियली नाइस। हां आई एम श्योर ये बहुत ही अमेजिंग सी पेंटिंग बनने वाली है एज यूजुअल। क्यारा, क्या तू एक एक्सेप्शनल सा क्लासी सा लोगो डिजाइन कर सकती है? हां ना बिल्कुल, किसके लिए चाहिए तुझे? हमारी नई फैक्ट्री के लिए। ओएमआर नई फैक्ट्री? बावन बाग फुलकारी की फैक्ट्री अटारी में। लेगेसी सिर्फ खानदान का नाम आगे बढ़ाने में नहीं होती है, बल्कि अपनों के सपने पूरे करने में भी होती है, और मैं पूरा करूंगा अपनी माँ का सपना। सर अभी बिल्कुल ऐसा ही था, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार। ऑल द बेस्ट यंग मैन, एंड आई एम श्योर कि तुम इस बिजनेस को भी अपने सारे बिजनेसों की तरह एकदम ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। And I need millions. All the millions will go to Kiara. इस फैक्ट्री और इस बिजनेस का पूरा प्रॉफिट Kiara के लिए होगा। मैंने पता किया है कि हार्डवर्क सिर्फ कारीगर करते हैं, लेकिन उनका फायदा और पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं मिडिलमैन,
इसीलिए हम सारे कारीगर को डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे ताकि उन्हें उनका प्रॉफिट भी मिले, उनका फायदा भी हो और वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए। ओए मार ना, तू कितना सोचता है सबके लिए। मैं अभी इधर को सिर्फ बिजनेसमैन बोलती रहती हूँ, पर एक्चुअली तुझे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलना चाहिए। अच्छा ये तो बता, तूने लोगो का कुछ सोचा है, कैसा डिजाइन चाहिए? लोगो में सिर्फ माँ का नाम होगा, कोई सरनेम नहीं, कोई रंधावा नहीं। पापा, प्रिंसिपल मैम भी मेरी तारीफ करती है। मैंने जिंदगी में बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन तू मेरी सबसे बड़ी हार है। बस कर इंद्रपाल, बहुत हो गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मामा? धोखा हुआ मेरे साथ, धोखा। मेरी जिंदगी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी तकदीर ने मेरे साथ धोखा किया है, और इसकी माँ ने भी मुझे धोखा दिया है। कितना कोसेगा तू? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जितना तू अपने बेटे के साथ कर रहा है। यही तेरे खानदान का चिराग है, यही तेरा नाम आगे रोशन करेगा। इसे एक बार प्यार से तो देख, अपनी छाती से तो लगा। क्यों अपने बच्चे को अपने बाप के प्यार से दूर कर रहा है तू? आप इसे दादी का प्यार दे रही है ना, इसे कहिए कि इसे काम चला ले, अब इसे मेरी नजरों से दूर ले जाए। शर्म आनी चाहिए तुझे, बच्चे रब दी मेहर हुंदे ने और तू उस मेहर की बेकदरी कर रहा है। और मुझे तो डर है कल का, जब तू पछताएगा। और कल का? मैं तो अपने आज पर पछता रहा हूँ। जो एक लाइन ठीक से भी नहीं बोल सकता है, वो रंधावा खानदान का वारिस होगा, ये सोचकर ही मुझे शर्म आती है। तेरी माँ भी किसी काम की नहीं थी और तुम भी किसी काम का नहीं आए, तुम भी किसी काम का नहीं आए। कोई जरूरत नहीं है हमें रंधावा नाम की, मॉम का नाम ही काफी है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में माँ का सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि उनका नाम भी चमके। आपका रंधावा परिवार आपको मुबारक हो, मिस्टर इंद्रपाल सिंह रंधावा। ओ, मैं फिर से जीत गई। यार, हर बार ये कैसे हो सकता है? किन्नी तू पत्ते ठीक से बांट यार। चल जल्दी बांट। लगता है राज अपसेट है मुझसे, था स्पेशल मोमेंट था आज उसके लिए और आज मैं उसे अकेले छोड़ आई। राज आना, पत्ते खेलते हैं। राज वो मैं। मम्मा मुझे खाना खिलाओ, वरना जा रहा हूँ। प्रिंस, की होया है? मार जोर से डिकार। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं एसिडिटी हो रही है ना आपको? अजवाइन और जीरे का पानी एसिडिटी का रामबाण इलाज है, शूश टाक पी जाओ इसको। ओ पुत्रा, ओ साडे नाल खेड, ओ आ केड़ी काड़ है? चल वे गिन्नी, एक बार पत्ते दोबारा बांट। चल पुत्र। क्या कर रही है? अब कुछ भी नहीं, वो छोले भटूरे खाए थे ना तो बड़ा हैवी सा हो गया था। मैं तो बस स्ट्रेचिंग कर रही थी, आप नहीं करते? स्ट्रेचिंग, पत्ते डाल। ले, आप तो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे मैं आपकी गुलाम हूँ। ओ पुत्र, ओ इस घर में कोई गुलाम नहीं है, सब रानी है रानी। मैं फिर जीत गई। करण तू बांट यार इसका। अब राणा अंकल, पत्ते खेलने के बाद ना आप तीन चार पान लेके आना। पान?
भटूरों के बाद ना पान का अलग ही मजा है। ओ तूने सही गल की थी, ओ पान से बड़ा मजा आता है। ओ हो हो, ओ मैं फिर जीत गई हूँ। शाबाश पुत्र। ओ यार इधर 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 चल, मैं खिलाता तुझे पान और बनाता हूँ रानी। और ये दोनों कब से चीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, छड़ मेरी कुड़ी का कान, ओ खाम का रोला ना पर चीटिंग चूटिंग दा है, आई गल समझ। तो आप लोग कब से चीटिंग नहीं कर रहे? अच्छा चीटिंग कर रहे हैं, वो अकल है इसलिए चीटिंग कर रहे हैं। वो तेरे को अकल है तो तू भी कर ले। चलो अब खेलेंगे चीटिंग चीटिंग। राज क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? राज क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई बात है तो बताओ ना, we'll sort it out. बोलना क्यों होया, कोई दस्ता सही सानू? कुछ बताने लायक हो तो। राज हम सब फैमिली है तेरी, हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? वो दस पुत्र है, जरूर कोई बात है, बता क्या हुआ। क्या बताऊं बे आपको, सुझा क्या चाहते हो? अरे मैं तंग आ चुका हूँ ये रोज रोज के नए नए ड्रामों से, नए नए चैलेंजेस से। इतनी मुश्किल से शहर और तेरे बीच सब ठीक, उसके पास टाइम भी नहीं है। अरे दो मिनट बात करने के लिए तरस आता हूँ मैं। बस प्रिंस की माँ बन के रह गई और मैं उसका डैडी। हाँ प्रिंस मेरा भी बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन शेर से भी प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता उससे दूर, सिर्फ मेरी वाइफ रही, मेरे सब कुछ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे मैं अपने मन की बात और किससे शेयर करता हूँ बताओ मुझे। राज तुमने शहर से बात करी इस बारे में? शहर को पता नहीं, मैं नहीं चाहता उसे पता चले, बहुत हर्ट हो जाएगी यार। मुझे पता है कि उसे प्रिंस को अपना वक्त और प्यार उसके बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के देना। इस सब में मैं अपने लिए अब वो आपकी वोटी है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ना उनको सबसे दूर ले जाओ जहां आपके और शहर दी के अलावा कोई ना। बोलो हाँ कि ना। हाँ पर फिर प्रिंस को कौन संभालेगा? ले इतना बड़ा परिवार एक बच्चे को नहीं संभाल पाएगा, तुसी ना सारे नु अंडर एस्टिमेट कर दी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, हम सब मिलके ना प्रिंस को संभाल लेंगे और उसको शहर की याद भी नहीं आने देंगे, है ना? नाइस राज, लेकिन एक सेकंड, ढाबा इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? तुमने ये पूरा ढाबा हमारे लिए बुक किया, राइट? थैंक यू। यू नो व्हाट राज, ऑनेस्टली आई लव कि तुम हमारे रिश्ते में हमेशा जान डालने की कोशिश करते। मेरा रिश्ता है ही मेरी जान के साथ, एक बात जान लो मेरी जान, ये रिश्ते की जान मेरी जान है जिसको मैं जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू प्योर पंजाबी ढाबा। हुकुम करो जी, कितने बैठोगे? वैसे तो जी जितने भी बैठो, आज तो सारा ढाबा तोड़ा है, बाकी हर एक गल है पर जी आज तो चलेगी सिर्फ तोड़ी मर्जी। पर खाना तो हम आपकी मर्जी का खाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। तो यार बेस्ट क्या मिलता है वो बताओ। सब कुछ ही बेस्ट है साहब, गर्मा गर्म तगड़ी कबाब, स्वाद नहीं भूलोगे जनाब, टेस्टी टेस्टी शाही पनीर, खुश परजाई ते खुशवीर। बस 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 पाजी एक काम करो, दो प्लेट छोले भटूरे, आप दो प्लेट छोले भटूरे ले और बड़े बड़े ग्लास लस्सी। उन्हें ही लाया जी। मैम प्लीज सर। आउट 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 आउट। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। पर मामा चीटिंग कर रहे हो। अच्छा बच्चू, मतलब आप और आपकी मनप्रीत दीदी दोनों हार रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे मेरे को? ठीक है एक काम करते हैं, आप खेलो और जीत के दिखाओ। हम नहीं हारने वाले, हम जीतने वाले। क्यों प्रिंस, राजा इनको जीत के दिखाते हैं। आज आजा गोदी। वेरी गुड, वाह जी वाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। मम्मा कब आएगी? मुझे मम्मा चाहिए। राज तुम्हें पता है प्रिंस ने ना बेड सेट करना सीख लिया। आई डोंट, ये देखो फोटो देखो,
क्या प्लीज हम 2 मिनट के लिए फोन छोड़ सकते हैं सर? हम दोनों यहाँ डिनर करने आए हैं यार, और तुम बस एक बार करण को कॉल करके चेक कर लूं प्रिंस ठीक है या नहीं। हाँ करण, प्रिंस ठीक है ना? रो तो नहीं रहा है, खेल रहा है? ठीक, थैंक यू सो मच। सॉरी, तुम कह रहे थे? अरे सर, मैंने सोचा है कि हम दोनों ने डिनर की प्रिंस का मैसेज होगा, 1 सेकंड। फ्रेंड का है। सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सर कि हम दोनों ना डिनर क्या सर 2 मिनट के लिए तुम फोन छोड़ सकती हो यार? I'm really sorry राज, वो पहली बार ऐसे प्रिंस को अकेले छोड़ के आई हो तो I'm kind of nervous। बस एक बार करण को मैसेज कर दूँ। राज, what is wrong? सर हम यहाँ डिनर करने आए थे। ये हमारा अपना टाइम है, हमारी अपनी लाइफ है या नहीं? या प्रिंस ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? प्रिंस मेरा भी बेटा है सर, मैं भी बाहर करता हूँ उससे, लेकिन मुझे अपने लिए भी वक्त चाहिए। 24 घंटे प्रिंस 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 बर्दाश्त नहीं हो रहा यार मुझसे। राज, आर यू सीरियस? तुम इतना इनसिक्योर एक बच्चे की वजह से हो रहे हो। उस बच्चे की जिसके पेरेंट्स बनने का वादा किए हम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वक्त प्रिंस को मेरी अटेंशन और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। सही है सर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम माँ बनने में एक वाइफ बनना भूल जाओ। मैं भी प्रिंस का डैडी हूँ, मैं भी भूल जाओ कि मैं एक हस्बैंड हूँ। तुम्हारे साथ एक पल बिताने के लिए ना मुझे क्या क्या करना पड़ता है पता है तुम्हें? तो तुम कहना क्या चाहते हो राज, कि मैं तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिताना चाहती? राज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा एक बच्चा है, तुम्हें नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में हमें उसको अपने आप से पहले रखना होगा? मैंने नहीं मना किया, पर हम माँ बाप बनने में हस्बैंड वाइफ बनना भूल जाए। तुम्हें याद है कि हमने लास्ट टाइम एक साथ टाइम कहाँ स्पेंड किया? मैं बताऊँ? होली पे सर, और होली के बाद अगर शायद थोड़ा सा टाइम मिला होगा तो प्रिंस की दस्तार बंदी, उसके बाद तो हम अटारी आ गए, फिर अटारी आते तुम बिजी हो गई, नानी तुम, प्रिंस प्रिंस मैं हूं ना हूं, किसको फर्क पड़ता है ना? राज प्लीज, तुम कहां की बात को कहां लेके जा रहे? माना कि प्रिंस के साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती मुझसे कुछ भी गलत हो या मेरी वजह से प्रिंस को कोई भी तकलीफ पहुंचे। ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी परवरिश पे सवाल उठाए। अगर मैं फेल हो गई तो प्रिंस को फिर से उसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा राज, जो मैं होने नहीं दूंगी। सो प्लीज, इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात याद रखना चाहती हूँ कि हमारा एक बच्चा है और हम उसके पेरेंट्स हैं, दैट्स इट। अगर तुम एक रिश्ता निभाने के लिए बाकी सारे रिश्ते भूलना चाहती हो ना, सही है, थैंक यू। नहीं बाजी, बस मन भर गया खाने से।